तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक शानदार गैजेट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर है एक 8.5 इंचेस का LCD राइटिंग टैबलेट। इसके मदद से आप कई सारे पेपर्स बचा सकते हैं, और अगर आप एक स्टूडेंट है तो ये वाला गैजेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। बॉक्स कुछ इस तरह की है, आप देख सकते हैं। इसके पीछे के साइड जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ स्पेसिफिकेशंस मेंशन किया गया है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये 4 या 5 कलर में अवेलेबल है। मेरे पास जो है वो ब्लैक कलर का है। दोस्तों, ये वाला जो प्रोडक्ट है आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर कई सारे ऑनलाइन शॉपिंग साइट में आसानी से मिल जाएगा। इसका जो प्राइस है वो मेरे को 150 रुपीज़ का पड़ा है। और अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बॉक्स के अंदर खोल के देखते हैं क्या है। तो इस बॉक्स के अंदर से हमको और एक पाउच मिलता है, और इस पाउच के अंदर हमारा मेन जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, ये है हमारा LCD राइटिंग टैबलेट। इसके साथ हमको एक स्टाइलस मिलता है प्लास्टिक का। ये वाला स्टाइलस आपका फ़ोन का या फिर लैपटॉप का या फिर टैबलेट का या फिर कोई भी टच स्क्रीन पर काम नहीं करने वाला है। ये सिर्फ इस LCD राइटिंग टैबलेट के स्क्रीन में ही काम करेगा। यहाँ पर आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। और ये वाला जो स्क्रीन है, एक प्रेशर सेंसिटिव स्क्रीन है। यानी कि अगर आप हल्के हाथों से यहाँ पर कुछ लिखेंगे या फिर ड्राइंग करेंगे तो देख सकते हैं इसका जो लाइन है वो कितने पतला आ रहा है, और आप दबा के लिखेंगे तो देख सकते हैं लाइंस मोटा हो जा रहा है। तो इसी को प्रेशर सेंसिटिविटी कहते हैं। और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये लाइट वेट है। इवन स्टाइलस को अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ तो भी ये काफ़ी हद तक लाइट वेट है। इवन आपका जो रफ कॉपी है जिस पर आप रफ वर्क करते हैं, उससे भी कई गुना हल्का है ये वाला। तो इसके पीछे के साइड आप देख सकते हैं एक टेक्सचर्ड बैक है, और ये पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। और यहाँ पर नीचे की साइड अगर आप देखें तो एक बटन है, इस पर लॉक और इस पर अनलॉक का जो सिंबल दिया गया है। तो ये वाला बटन कैसे काम करता है, तो फिलहाल तो ये अनलॉक में है। अगर मैं इसको लॉक मोड में सेट कर दूँ तो देख सकते हैं ये वाला जो बटन है डिलीट का बटन है। अगर मैं इसको दबाऊँ तो स्क्रीन पर जो कुछ भी लिखा है वो नहीं मिटेगा। लेकिन अगर मैं इसको अनलॉक कर दूँ, और अब मैं अगर इस डिलीट बटन को सिंगल टैप करूँ तो देख सकते हैं पूरा का पूरा चीज़ यहाँ पर डिलीट हो गया है। तो कुछ इस तरह से आप इस स्क्रीन पर लिख सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, या फिर टिक टैक टो गेम खेल सकते हैं। ठीक है, और जब आपका काम हो जाए तो ये वाला बटन प्रेस करके आप सारा कंटेंट डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला जो ओवल टाइप का जो एक छेद मिलता है, तो इस पर अपना जो स्टाइलस है उसको डाल के आपका स्क्रीन को कुछ इस तरह से आप स्टैंड करा सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो अपने नाखून से भी यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा इसके साथ जो स्टाइलस आता है उसके साथ ही आप यहाँ पर लिखें, क्योंकि आई थिंक नाखून या फिर कोई सा भी शार्प ऑब्जेक्ट से लिखने से ये वाला स्क्रीन ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं। और एक चीज़ दोस्तों, हाँ, इसको जितने ब्राइट लाइट में आप ले जाकर लिखेंगे, इसका जो राइटिंग है, इसका जो आउटपुट है वो उतना ज़्यादा ब्राइटर लगेगा। और अंधेरे में ये जो राइटिंग है वो आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा। तो मैंने सारा कुछ बता दिया है इस प्रोडक्ट के बारे में। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, इसमें जो कॉइन साइज़ की बैटरी आते हैं वो बैटरी इसमें डल जाते हैं। यहाँ पर सिंगल कॉइन साइज़ बैटरी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, उसको आप यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक स्क्रू है, स्क्रू को ओपन करके यहाँ से आप बैटरी को निकाल के दोबारा से नया बैटरी डाल सकते हैं। तो दोस्तों,
ये रहा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया इस LCD राइटिंग टैबलेट के बारे में, और आप चाहे तो इसको परचेस कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगा तो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।